हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं कि जिस चीज़ के लिए भी आप प्रेयर कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या वो चीज़ आपको मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, एंड इफ़ येस तो फिर कब तक वो चीज़ आपकी लाइफ में आ जाएगी। ओके, सो आपके सामने हैं यहाँ पे दो कार्ड्स। कार्ड नंबर वन वी हैव इस सरेंडरिंग टू द जर्नी, रिलीज कंट्रोल। एंड कार्ड नंबर टू वी हैव इज ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, यू कैन ओवरकम एनीथिंग। सो जो भी इमेज मैसेज आपको अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब बोला कार्ड चूज कर सकते हैं। एंड देन वील स्टार्ट योर रीडिंग विथ दी ग्रुप नंबर वन। हेलो ग्रुप नंबर वन, सो आपने चूज़ करा है कार्ड सरेंडरिंग टू द जर्नी, रिलीज कंट्रोल। सो आई गेस ये मैसेज है आपके लिए फॉर योर सिचुएशन कि आपको ज़रूरत है ट्रस्ट करने की डिवाइन के ऊपर और सरेंडर करने की, कि कुछ सिचुएशंस हमारी लाइफ में ऐसी हो जाती हैं जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता है, जो रिजल्ट जो है वो हमारे हाथ में नहीं होता है। सो उस केस में बेस्ट ये है कि आप अपना कंट्रोल रिलीज कर दो, सब कुछ छोड़ दो डिवाइन के ऊपर और अपनी तरफ से आप मैनिफेस्ट करो और प्रेयर करो, बाकी रिजल्ट जो है वो डिवाइन के हाथ में है। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि व्हाट इज योर करंट एनर्जी, आप अभी किस करंट एनर्जी और सिचुएशन में हो अपनी लाइफ में। ग्रुप नंबर वन, सो वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो इस टाइम, मेजर शिफ्ट्स, डेस्टिनी, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड वी हैव ट्रूथ। तो तीनों ही कार्ड्स आए फ्रॉम द मेजर काना आपके लिए, दैट्स वेरी नाइस। सो काफ़ी मेजर फेज से गुजर रहे हो इस टाइम लाइफ में, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये आपको एक्चुअली में लेके जा रहा है वहाँ पे जो चीज़ आप डिजर्व करते हो, बिकॉज डेस्टिनी इज़ लाइक आपकी डेस्टिनी कुछ ऐसे आपकी लाइफ में ट्विस्ट एंड टर्न्स लेके आ रही है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है इस टाइम, लेकिन आप एक अलाइनमेंट में आ रहे हो विद द ट्रूथ, विद योर रियल सेल्फ, एंड जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसके आप एक स्टेप और क्लोजर पहुंच सको। सो अभी आपके लाइफ में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, जो कुछ भी आपको लग रहा है कि सही नहीं हो रहा है या फिर यू नो आपके हिसाब से नहीं हो रहा है, या कुछ ना कुछ समथिंग इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ राइट नाउ, अप्स एंड डाउन्स, वो सब एक्चुअली इट्स अ पार्ट ऑफ डेस्टिनी, इट्स अ पार्ट ऑफ डिवाइन प्लान, और ये होना ज़रूरी है आपकी लाइफ में ताकि आपका एवोल्यूशन हो सके, ताकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो पाए और आप एक अपने बेस्ट वर्जन में आ पाओ। सो ये जो फेज़ है इसको इन्जॉय करो एंड इसको चेरिश करो, बिकॉज ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको सिखाने के लिए है। जजमेंट कार्ड है, ट्रूथ कार्ड है यहाँ पे। सो जजमेंट्स ऑल अबाउट की डिवाइन की नज़र तो आपके ऊपर है, बिकॉज डेस्टिनी कार्ड, जजमेंट कार्ड, और डिवाइन की नज़र आपके ऊपर है कंटिन्यूसली है, जो आप प्रेयर कर रहे हो वो भी वो सुन रहे हैं, लेकिन वो बस चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आए, कुछ चेंजेस आए, कुछ ऐसे आपके लाइफ में कुछ कर रहे हैं वो इस टाइम कि आपको अभी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है, बट इन द लॉन्ग रन यू विल थैंक डिवाइन कि आपके साथ ये सब हुआ। आपको समझ में आएगा मीनिंग कि ये सब आपकी लाइफ में क्यों हो रहा था, रीज़न बिहाइंड दैट एंड ट्रूथ बिहाइंड दैट। तो सब कुछ एक डिवाइन प्लान डेस्टिनी के अकॉर्डिंग हो रहा है अभी। सो उसको आप होने दो, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो राइट, बिकॉज वो ऊपर वाला करा रहा है। सो उसको आप कंट्रोल कैसे करोगे, यू कैन जस्ट इन्जॉय दिस ट्रांसफॉर्मेशन फेज राइट। और जितना अपने आप को कनेक्ट रखोगे विद द स्पिरिचुअलिटी, उतना ही जल्दी और उतना ही ईजिली ये जो फेज चल रहा है आपकी लाइफ का, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज, बिकॉज तीनों कार्ड ही आए हैं फ्रॉम मेजर अरकाना, विच इज़ अ वेरी एक्चुअली इंपॉर्टेंट फेज इन योर लाइफ। ओके, नाउ लेट्स सी कि जिस भी चीज़ के लिए आप प्रेयर मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या वो चीज़ आपको मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। लेट्स सी ग्रुप नंबर वन। वी हैव अ स्टार, पहला ही कार्ड आपका आ गया फुलफिलमेंट का, विश फुलफिलमेंट का स्टार कार्ड। देन वी हैव जस्टिस, ये दोनों कार्ड्स भी आए फ्रॉम द मेजर अरकाना, ये तीन तो आए थे, ये दोनों भी फ्रॉम मेजर अरकाना आए आपके लिए।
वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स. वाओ, वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स. वेरी वेरी ब्यूटिफुल कार्ड्स कमिंग फॉर यू. ग्रुप नंबर 1 वी हैव द 6 ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव द एस ऑफ कप्स. वाओ, यस गाइस, आपकी जो विश है वो पूरी होगी. वो तो जो फर्स्ट कार्ड आया था आपके लिए, जो स्टार कार्ड था, दैट इट्सेल्फ शोज कि आपकी जो विश है, मेजर विश आपकी पूरी होने वाली है. बिकॉज आपने इतना फेथ रखा है, आपने डेडिकेशन इतना रखा है ना अपने अपने डिवोशन के ऊपर, अपने डिवाइन के ऊपर. आपको इतना भरोसा है कि वो विश आपकी पूरी कैसे नहीं करेंगे फिर, राइट? और डिवाइन जो है वो आपको इस, देख रहे हो इस पिक्चर में, यहाँ पे एक कामर वाटर की तरफ जा रही है ये जो बोट है, बिकॉज यहाँ पे उथल पुथल है पानी में, बट यहाँ पे बहुत कुछ शांत है. सो यू आर गोइंग टूवर्ड्स अ कामर वाटर, राइट? एंड आई फील दैट आप चाहते हो एक जर्नी करना. यू वॉन्ट टू ट्रैवल, यू वॉन्ट टू गो समवेयर एल्स इन डिफरेंट कंट्री और इन डिफरेंट स्टेट. तो वो चीज़ आपके लिए पॉसिबल हो पाएगी. या फिर अभी आप एक सिचुएशन में हो इस टाइम जो कि बहुत ज़्यादा आपको एकदम हिला के रख रखा है सिचुएशन ने. आपको समझ नहीं आ रहा कि वहाँ से बाहर निकलूँ तो कैसे निकलूँ. बट फाइनली आपको वहाँ से एक रिलीफ मिलेगा, आप वहाँ से मूव ऑन कर पाओगे, आपको सोल्यूशंस मिलेंगे, आपकी विशेज़ पूरी होंगी. बिकॉज आपकी विशेज़ तो सुन रहे हैं डिवाइन, वो आपको सुनते हैं, वो आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, राइट? आप बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हो, वो दिख ही रहा है आपके कार्ड से. बट आपकी जो भी विशेज़ है ना, वो बहुत जल्द पूरी करने वाले हैं. 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे दिखा रहा है कि जब भी आपकी ये विश पूरी होगी तो आप तो खुश हो गई, साथ में आपकी जो पूरी फैमिली है वो भी खुश होगी इस विश को लेके. आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी, अबंडेंस आएगा, एंड यू विल फील सेफ, सिक्योर्ड. आई फील बहुत लोगों की विश है कि उनकी एक अच्छी जॉब, उनके पास ऑफर लेटर हो. तो वो जो आपने मेहनत करी है, इतनी पढ़ाई करी है, जो आपने इतना पढ़ाई कर रहे हो अभी भी, तो उसका जो रिज़ल्ट है वो आपको मिलेगा एज इन द फॉर्म ऑफ एन ऑफर लेटर और जॉब लेटर और सम एडमिशन लेटर और जो भी आप चाहते हो लाइफ में. सो यू आर एक्चुअली गेटिंग वेरी हैप्पी. इस पर्सन के हाथ में ये लेटर है, ये लेटर इज लेटर फ्रॉम द डिवाइन की ये तुम्हारी विश है, ये तुम्हारी विश मैं पूरी कर रहा हूँ, राइट? और आपको जस्टिस मिलेगा, बिकॉज आपके साथ अभी तक लाइफ में बहुत इनजस्टिस हुआ है. जब भी आपने कोई कुछ चीज़ चाही, आपको उस टाइम नहीं मिली, आपके लाइफ में डिलेज आए हैं, प्रॉब्लम्स आई हैं बिकॉज ऑफ द बैड कर्मा ऑफ योर पास्ट. बट अब वो सब चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं. सो नाउ यू विल गेट दिस ब्यूटिफुल ट्रांसफॉर्मेशन, जस्टिस एंड एस ऑफ कप, सच अ ब्यूटिफुल कार्ड. ऑफकोर्स आपके रिलेशनशिप्स भी हील हो रहे हैं, आपकी हेल्थ भी हील होगी, आपके जो इमोशनली जो आप इतने हर्ट फील करते हो वो भी हील होगी, और आपका जो इंट्यूशन लेवल है वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा, राइट? तो आपकी विश जो है वो बहुत जल्द पूरी होने वाली है. यहाँ पर नंबर 8 बहुत सिग्निफिकेंट है. सो कुछ लोगों के लिए इन 8 डेज, कुछ लोगों के लिए इन 8 वीक्स, एंड फॉर सम ऑफ यू इट्स इन द नेक्स्ट 1 मंथ आपकी ये विश जो है पूरी होने वाली है. ग्रुप नंबर 1, ब्यूटिफुल कार्ड्स. और देख लेते हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए. सो वी हैव मैरिज. जो लोग शादी करना चाहते हैं, जिन लोगों का क्वेश्चन है रिगार्डिंग देयर मैरिज विद अ स्पेसिफिक पर्सन और मैरिज, तो आपकी मैरिज की विश बहुत ही जल्द पूरी होने वाली है. यू आर हाईली थॉट ऑफ, तो कोई पर्सन है जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं. तो अगर आपको आपकी विश ये है, आपका क्वेश्चन ये है कि क्या आपको कॉल करके वो आपको मिस करते हैं, तो येस, वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपको कॉल भी करेंगे वो. एंड कोई ना कोई पर्सन है जिनके दिल दिमाग में आप कंटिन्यूसली आपका थॉट चल रहा है, कोई ना कोई ऐसे पर्सन है. देन वी हैव कैंडल, यू विल बी शोन द वे. वाओ, यस, आपको रास्ता दिखाएंगे डिवाइन, यू विल बी शोन द वे, आप अकेले नहीं हो, राइट? एंड ग्रेट गुड फॉर्च्यून, तो आपका जो लक है, आपकी जो डेस्टिनी है, वो भी आपका साथ देगी आने वाले टाइम में. ओके, यहाँ से भी कुछ कार्ड देख लेते हैं ग्रुप नंबर 1 आपके लिए. सो वी हैव ट्रूथ. सो आपके लिए मैसेज है, ट्रूथ इज डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, रिजर्व जजमेंट. सो ट्रूथ जो है, जो भी आपकी सिचुएशन की जो सच्चाई है कि अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ आपके साथ, और क्या रीज़न था डीले का, क्या रीज़न था आपको ये सब सिखाने का, वो जो ट्रूथ है, वो जो अवेकनिंग है, वो आपकी होगी आने वाले टाइम में. एंड वी हैव द टाइम विच इज़ टाइम स्पेंड वरिंग इज टाइम स्पेंड. तो अगर आप
बहुत टेंशन में टाइम काट रहे हो कि पता नहीं कब मेरी विश पूरी होगी, और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, एंग्जाइटी में हो, डिप्रेशन में हो, तो ये भी आपके लिए मैसेज है कि जो टाइम आप टेंशन में निकाल रहे हो, राइट, वो भी तो टाइम निकल ही रहा है, तो क्यों ना इस टाइम को निकाला जाए एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ, यू नो, विद स्पिरिचुअलिटी के साथ और भरोसे के साथ कि डिवाइन आपकी ये विश पूरी करेंगे. ओके, सो ऐसे देखते हैं कि डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं रिगार्डिंग योर विश. सो वी हैव द सीक्रेट सेल्फ, अनलीश योर स्पिरिट, एक्सप्रेस योर गिफ्ट्स, डांस टू द सीक्रेट रिदम ऑफ लाइफ. सो अभी आपका स्पिरिट जो है वो बहुत ज़्यादा लो हो रखा है, राइट, आप अपनी लाइफ को बिल्कुल इंजॉय नहीं कर रहे हो, आप टेंशन में जी रहे हो. सो आपसे डिवाइन यही कह रहे हैं कि अपने आप को, मतलब, बिजी करो सबसे पहले तो. आपके अंदर जो भी गिफ्ट्स हैं, जो टैलेंट हैं, उनका यूज़ करो, अपने आप को, यू नो, अपनी लाइफ को वेस्ट मत करो. और दूसरी बात ये है कि आप जितना एंजॉय कर सकते हो इस लाइफ के इस फेज को, उतना एंजॉय करो, बिकॉज ये टाइम भी बीत गया तो वापस नहीं आएगा. सो इन जस्ट एंजॉय योर लाइफ. वाओ, वी हैव लॉर्ड गणेशा, इनफाइनाइट अबंडेंस, ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग. सो लॉर्ड गणेशा आपसे कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रखे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रखी हैं, वो सब वो हटाने वाले हैं, राइट, और आपका स्पिरिचुअल सपोर्ट, स्पिरिचुअल गाइडेंस बढ़ रही है, और आपके कनेक्शंस बढ़ रहे हैं विद द डिवाइन, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हर्डल्स हैं, वो सब लॉर्ड गणेश आपकी लाइफ से एकदम रिमूव करने वाले हैं. ओके, सो कोई गाइडेंस ग्रुप नंबर 1 के लिए गाइडेंस. गाइडेंस इज ब्रेकिंग ट्रेल, अ ब्रेक थ्रू इज एट हैंड. सो लगे रहो, मेहनत करते रहो, बिकॉज ब्रेक थ्रू आने वाला है बहुत ही जल्द. वो विश आपको मिलने वाली है, आप बहुत ही क्लोज हो अपने विश को अचीव करने के. एंड वी हैव वंड्रस यूनिवर्स, वॉक इन ब्यूटी. सो यूनिवर्स तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, राइट, एंड वॉक इन ब्यूटी इट मीन आराम से जैसे वॉक करो, थोड़ा लाइफ आराम से जियो, चिल करो, बिकॉज अगर आप ये ट्रस्ट ही कर लोगे ना कि मेरी तो विश पूरी होगी ही होगी, और सब कुछ सरेंडर कर दोगे डिवाइन के ऊपर, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता इस विश से दूर. ये विश कहीं नहीं जा रही है, राइट, ये विश आपके पास ही आ रही है, आपको कोई नहीं रोक रहा है. आप बिल्कुल सब कुछ भूल जाओ और बिल्कुल एकदम टेंशन फ्री हो जाओ. जस्ट सरेंडर योर लाइफ एंड योर जर्नी टू डिवाइन, और फिर देखो आपकी लाइफ में कितने वंडरफुल चेंजेस आते हैं, बिकॉज होल यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू इन दिस विश. ओके, सो ग्रुप नंबर 1 ये है आपकी रीडिंग. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बाय. हेलो ग्रुप नंबर 2. सो आपने चूज़ करा है कार्ड ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स. यू कैन ओवरकम एनी थिंग. दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड कि आप देख रहे हो इस पिक्चर में एक रॉक के बीच में एक स्वॉर्ड को बिल्कुल घुसा दिया है. मतलब इतना कोई पावरफुल हो सकता है, राइट, तो इट्स शोइंग द पावर, द स्ट्रेंथ, कि आप कुछ भी ओवरकम कर सकते हो. लाइफ की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आप ओवरकम कर सकते हो, और अपना रास्ता आप खुद बना सकते हो, राइट. सो अपने आप को अभी छोटा मत समझो, अपने आप को वीक मत समझो, बिकॉज जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, वो एक्चुअली में इंटरनली आपको बहुत ही स्ट्रांग बना रहे हैं. ओके, ग्रुप नंबर 2. सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि अभी आपकी लाइफ की करंट सिचुएशन क्या है, चल क्या रहा है आपकी लाइफ में इस टाइम, देख लेते हैं फटाफट. वी हैव दी अथॉरिटी विच इज द एम्परर कार्ड. देन वी हैव 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन. एंड वी हैव सोलर प्लेक्सस चक्रा. काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हो. हमें फोर्थ कार्ड है पेशेंस का, या पेशेंस रख रहे हो आपने किसी चीज के लिए. सो काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हो अपनी विशेस को लेके. एंड नंबर 3 बहुत सिग्निफिकेंट है यहाँ पे. नंबर 3 बहुत दिख रहा होगा आपको, 33333, राइट, ये नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है आपके लिए. या मार्च का मंथ बहुत सिग्निफिकेंट है आपके लिए. मार्च एंड अप्रैल ऑल्सो, वो नंबर 4 भी है यहाँ पे. एंड या मुझे जो भी आपकी विश है, राइट, वो तो पूरी होगी या नहीं होगी, दैट इज़ द फ्यूचर थिंग. लेकिन आप उस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट बहुत हो कि हाँ ये चीज़ पूरी पक्का होगी, बिकॉज सोलर प्लेक्सस चक्रा एंड अथॉरिटी,
बोथ आर शोइंग कि यस यू नो कि ये विश पूरी होगी, एंड यू ऑल्सो नो कि ये विश पूरी करनी कैसे. आपके पास रास्ता भी है, आपके पास हिम्मत भी है, आपके पास कॉन्फिडेंस भी है, आपको बिलीव भी है, मतलब आपके अंदर से वो इनर स्ट्रेंथ है. फॉर एग्जाम्पल कि कोई कोई एग्ज़ाम है जो आपको क्रैक करना है, एक तो ये है कि आप प्रेयर कर रहे हो उसके लिए, अच्छी बात है कि आप प्रेयर करो. एक आपको ये भी पता है कि क्रैक तो तब होगा जब मैं एक्चुअली में उसके लिए पढ़ाई करूँगा और मेहनत करूँगा, तो वो स्ट्रेंथ अंदर से पढ़ाई करने की और मेहनत करने की वो भी है आपके अंदर, प्लस आप प्रेयर भी कर रहे हो, तो वो डबल इज इक्वल टू लाइक 100% चांस कि आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा, राइट. सो स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकल लाइफ जब मिल जाते हैं तो 100% सक्सेस. सो ये आपकी लाइफ में चल रहा है इस टाइम कि आपको पता है कि आपको करना क्या है लाइफ में, एंड सेलिब्रेशन. तो आप मुझे कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन वाले मूड में भी दिख रहे हो कि आप वेट कर रहे हो उस सेलिब्रेशन का अपनी लाइफ में कि कब ये सेलिब्रेशन आएगा मेरी लाइफ में कि मैं ये गुड न्यूज़ या जो भी आपकी विश है, विश कंप्लीशन आप सबको बता पाओगे, आप सबके साथ शेयर कर पाओगे और आप खुश हो पाओगे अपनी लाइफ में. तो आप उस खुशी का वेट कर रहे हो, आप उस टाइम का वेट कर रहे हो, यू नो व्हेन यू विल बी स्टैंडिंग एक्चुअली वेरी स्ट्रांग कि देखो मैंने मेरी ये विश पूरी कर ली है, राइट. तो आप उस करेक्ट टाइम का वेट कर रहे हो और आप में वो कॉन्फिडेंस भी है, आप में काफ़ी, आप मतलब आप वैसे नहीं हो कि आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो या बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, राइट. अगर बीच बीच में लो फील करते भी हो तो आपको आता है अपने आप को चीयर करना, आप इतने स्ट्रांग पर्सनैलिटी है आपकी. ग्रुप नंबर टू. ओके चलिए दी, देखते हैं कि जिस चीज़ के लिए भी आप प्रेयर कर रहे हो क्या वो चीज़ आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी. ग्रुप नंबर टू. यहाँ पे कार्ड गिरा आपके लिए मैजिशियन. वी हैव द फोर ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव मैजिशियन, वी हैव किंग ऑफ कप्स, वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स. दो दो किंग आए हैं आपके लिए. वी हैव नाइट ऑफ कप्स एंड वी हैव टेन ऑफ सोर्ड्स. एंड बॉटम से है हमारे पास टू ऑफ कप्स. जिन लोगों की विश है फॉर द लव लाइफ, स्पेसिफिकली उनकी लाइफ में ये लव ऑफर आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है, किंग ऑफ कप्स है, फोर ऑफ वॉन्ड्स है. जिन लोगों की विश है स्पेसिफिकली फॉर लव लाइफ एंड मैरिज, उनकी तो ये विश बहुत जल्द पूरी होने वाली है. बस आपकी लाइफ में आपके परफेक्ट पार्टनर, आपके परफेक्ट प्रिंस चार्मिंग आ रहे हैं जो कि आपसे बहुत प्यार करते होंगे और यू नो आपसे शादी करना चाहते होंगे. आपकी शादी होने वाली है बहुत जल्द, बहुत लोगों की. और आपकी जो भी विश है गाइज, ऑफकोर्स वो पूरी होगी, येस वो पूरी होगी, राइट. बिकॉज टेन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे दिखा रहा है एंडिंग ऑफ अ टफ पीरियड, एंडिंग ऑफ सच अ पीरियड जिसने आपको मतलब बिल्कुल परेशान करके रखा था. आप बहुत ज़्यादा अपसेट थे, डिप्रेस थे, आप बस चाह रहे थे कि मैं उस चीज़ से ना बस मुझे छुटकारा मिल जाए, जो जो टाइम चल रहा है ये बेकार टाइम ये ख़त्म हो जाए फटाफट. तो ये जो टाइम है अभी ख़त्म होने वाला है, टेन ऑफ सोर्ड्स लाइक एंडिंग. ओके सो एंडिंग ऑफ अ लॉन्ग टर्म पेन, इलनेस, बैड फेज ऑफ योर लाइफ, उस चीज़ की एंडिंग हो रही है. एंड एक अच्छा फेज स्टार्ट हो रहा है जिसमें कि आप देख रहे हो कि किंग के यहाँ दो कार्ड्स हैं, मैजिशियन का कार्ड है, फोर ऑफ वॉन्ड्स है, किंग ऑफ नाइट ऑफ कप्स है यहाँ पे, राइट. तो फोर ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो शोइंग मैरिज, ऑफ कोर्स मैरिज, एंगेजमेंट, रिलेशनशिप, इट इज़ ऑल्सो शोइंग बैलेंस इन योर लाइफ. आपकी लाइफ में बैलेंस लौट रहा है. तो चीज़ें इम्बैलेंस थी बहुत वक्त से, अब वो चीज़ें बैलेंस में आ रही हैं, राइट. एंड आपको इन दिनों नंबर 11 11 भी बहुत ज़्यादा दिखेगा, और जब ये नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखना स्टार्ट हो जाए इट मीन्स कि आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो अपनी विश फुलफिलमेंट के, राइट. और जब जो भी आपकी विश है वो आपको सक्सेसफुल तो बनाएगी ही, वो आपको मतलब स्ट्रांग तो फील करवाएगी ही, बट आपको बहुत ज़्यादा यू नो एक हम्बल पर्सन, एक कंपैशनेट पर्सन, एक अंडरस्टैंडिंग पर्सन वो भी बनाएगी आपको, राइट. आपकी लाइफ में बहुत सारा रोमांस आ रहा है बिकॉज नाइट ऑफ कप्स इज लाइक ऑल अबाउट रोमांस, इमोशंस. सो बहुत सारा रोमांस और रिलेशनशिप आपके बहुत अच्छे हो रहे हैं, आपकी लव लाइफ अच्छी हो रही है. एंड मैजिशियन इज शोइंग कि आप मैनिफेस्ट जिस चीज़ को कर रहे हो ना वो चीज़ आपकी लाइफ में सच होने वाली है. तो अगर आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो तो
तो मैनिफेस्ट करना भी शुरू कर दो। मैनिफेस्टेशन से एक अलग उसको पावर मिल जाएगी आपकी विश को, टू लाइक जल्दी हो जाए आपकी विश पूरी, राइट। बट मैनिफेस्टेशन इज वट एवर यू आर डूइंग, चाहे प्रेयर भी कर रहे हो, चाहे आप रोज विश भी मांगते हो ऊपर वाले से, वो भी काफ़ी है, राइट। और आपकी जो विश है वो सुनी जा रही है, आपकी जो भी विशेज उस पर काम हो रहा है, आप खुद अपने आप में एक मैजिशियन हो, आपके थॉट्स अपने आप में एक मैजिशियन है, जो भी आप सोचते हो वो सच हो जाएगा। तो आप पॉजिटिव ही सोचो, पॉजिटिव ही रहो, और ये जो फेज़ है, टफ फेज़, ये ख़त्म होने वाला है आपकी लाइफ में फाइनली, और एक अच्छा फेज़, एक ऐसा फेज़ जहाँ पे आप सेलिब्रेट कर सको कुछ चीज़ों को, कुछ सिचुएशन को, वो फेज़ आने वाला है आपकी लाइफ में। और कहीं ना कहीं आप मुझे बहुत अच्छी जा रहे हो पोजीशन पे अपनी लाइफ में, दो किंग के कार्ड हैं, सो यू विल बी ऑन द टॉप। ओके, सो ग्रुप नंबर टू, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी जो विश है वो बिल्कुल पूरी होगी आने वाले टाइम में। और अगर टाइम फ्रेम की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए 1 month में ये विश आपकी पूरी हो जाएगी, और कुछ लोगों के लिए इन द मंथ ऑफ अप्रैल ये जो विश है आपकी ये पूरी हो जाएगी। ओके, और देख लेते हैं कार्ड्स ग्रुप नंबर टू। सो वी हैव समवन इज बिहेविंग स्टूपिडली। सो अगर आपके अराउंड कुछ लोग हैं जो बहुत ही स्टूपिड सा बिहेव कर रहे हो, उस वजह से आपका मेंटल पीस खराब हो रहा है, तो आप उन लोगों पे ध्यान मत दो अभी, आप अपने ऊपर ध्यान दो और अपनी विश पे, अपने काम के ऊपर ध्यान दो उस टाइम। एंड चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ। सो अभी आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं या और भी होंगे अभी, जो कि आपकी लाइफ को काफ़ी अफेक्ट करेंगे। आई एम नॉट सेइंग इन अ नेगेटिव वे, अफेक्ट करेंगे मतलब कि आपकी लाइफ में चेंजेस लेके आएंगे, राइट। कि अभी आप जिस पोजिशन में हो, आपको चेंज आएगा आपकी लाइफ में आगे जाके। वाओ, वी हैव द क्राउन, ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू, बिकॉज दो किंग के भी कार्ड्स थे स्टार्टिंग में, एम्परर का कार्ड आया था आपके, तो येस, ऑनर एंड रिस्पेक्ट। आई थिंक ये जब विश आपकी पूरी होगी तो आसपास के लोग आपकी बहुत रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, या आपकी जॉब लग रही है, अगर आपका काम पूरा हो रहा है, तो यू विल गेन रिस्पेक्ट। सो काफ़ी अच्छी लीग में जाओगे आप आगे जाके, तो रिस्पेक्ट मिलेगी आपको, ऑनर मिलेगा। एंड देन वी हैव फायर क्रैकर, एक्साइटमेंट, तो येस, एक्साइटमेंट आने वाला है आपकी लाइफ में। जो डल और बोरिंग लाइफ हो गई है, तो अब सेलिब्रेशन आ रहा है आपकी लाइफ में, एक्साइटमेंट आ रहा है, काफ़ी एक्साइटेड हो आप इस फेज़ को लेके, इस नए फेज़ को लेके अपनी लाइफ में। सो दैट इज़ वेरी नाइस। ग्रुप नंबर टू, यहाँ से भी देख लेते हैं आपके लिए रिगार्डिंग योर विश फुलफिलमेंट। ओके, सो वी हैव फीलिंग्स, हीलिंग बिगिंस विथ फीलिंग, बी जेंटल विथ योर सेल्फ एंड टेंडर विथ योर हार्ट, राइट। तो अपने जेंटल रहो अपने साथ, फीलिंग्स पे अपने ध्यान दो, कहीं आपने आपको हर्ट तो नहीं कर रहे हो इस विश को लेकर, कहीं आप परेशान तो नहीं हो रहे हो, कहीं आप रो तो नहीं रहे हो। आई नो आप बहुत स्ट्रांग हो, बट स्टिल यू नो, आखिर वी आर ह्यूमन बींग्स, फीलिंग्स हम सब में होती हैं। सो अपने आप को स्ट्रांग रखो, अपनी फीलिंग्स को किसी को भी हर्ट मत करने दो, और ना खुद अपनी फीलिंग्स को हर्ट करो। एंड वी हैव एनर्जी, स्टॉप ट्राइंग टू प्लीज एवरी वन, एवरी वन इज़ अ होल लॉट ऑफ पीपल, प्रोटेक्ट योर एनर्जी। तो अगर आप बहुत ज़्यादा पीपल प्लीजिंग कर रहे हो कि मैं सबको खुश कर लूँ, अपने आस पास के हर लोग को, और सब पे एनर्जी आप इन्वेस्ट कर रहे हो कि ये भी खुश रहे, ये भी खुश रहे, ये भी खुश रहे, तो वो पॉसिबल नहीं है। आप अपने आप को खुश रखो, आप अपने ऊपर ध्यान दो आप, राइट, अपने ऊपर आप फोकस लगाओ अपना, और सबको खुश नहीं कर सकते हो, बिकॉज आप में एक लिमिटेड एनर्जी है, और आप उस एनर्जी को बहुत ही लिमिटेड तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो वो एनर्जी को अपने ऊपर यूज़ करो, राइट। पीपल विल ऑलवेज हैव ओपिनियन अबाउट यू, यू कैन नॉट प्लीज एवरीबडी। तभी यहाँ पे कार्ड है समवन इज बिहेविंग स्टूपिडली, तो आप कितने लोगों का मुंह बंद करोगे, कितने लोगों को आप खुश करने की कोशिश करोगे। सो जो खास हैं वो बात अलग है, बट यू नो नॉट फॉर एवरी वन। आई थिंक आपकी एनर्जी जो है वो यहीं पर ड्रेन हो रही है इन्हीं कामों में, तभी आपके पास और काम के लिए एनर्जी बचती ही नहीं है। तो सेव योर एनर्जी, देखते हैं डिवाइन कहना चाहते हैं आपसे आपकी विश के लिए। ओके, सो वी हैव आर्क एंजल माइकल। वाओ, ट्रस्टिंग हेवन, यू आर सेफ, एंजल स्टैंड क्लोज,
सरेंडर योर कंसर्न एंड अलाउ अ मिरेकल टू अकर, ताकि लाइफ में मिरेकल तो होने ही वाला है बहुत जल्द. ये चीज़ जो है ये मिरेकल से कम नहीं होगी आपकी लाइफ में, जिस चीज़ के लिए भी आप प्रेयर कर रहे हो. और आर्कएंजल माइकल जो बोल रहे हैं कि आप ट्रस्ट करो उन पे, एंजल्स पे ट्रस्ट करो, सरेंडर कर दो अपने कंसर्न वरी सबको सरेंडर कर दो और एक मिरेकल आपकी लाइफ में होगा. देन वी हैव हॉरस, कॉस्मिक गेटवे, योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिरेकुलस चेंजेस आर अकरिंग. अगेन मिरेकल, राइट? तो आपके थॉट्स बहुत ही पावरफुल हैं, उनको सोच समझ के आप यूज़ करो, सोच समझ के सोचो चीज़ों को कि क्या मैं सही सोच रहा हूँ, क्या मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ. सो जो भी हैं आप, जो भी आप सोचोगे ना वैसे बन जाओगे आप, वो चीज़ अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में. सो मेक श्योर कि आप पॉजिटिव ही सोचो और पॉजिटिव ही रहो. एंड बॉटम से आपके लिए लॉर्ड शिवा, राइज अप ऑन योर इनर फोर्स, स्टेप्स आर बींग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स. सो लॉर्ड शिवा इज ऑल्सो प्रोटेक्टिंग यू, उनकी डिवाइन गाइडेंस है आपके ऊपर. ओके, सो आप प्रोटेक्टेड हो आपकी लाइफ में, जो भी आप विश मांग रहे हो बहुत ही जल्द पूरी होने वाली है. यहाँ से देखते हैं आपके लिए कोई एडवाइस और ग्रुप नंबर टू लास्ट कार्ड्स. ये कार्ड बार बार आ रहा है आपके लिए. ओके, सो वी हैव डिस्कवरिंग ट्रूथ, योर स्टैंड इन द लाइट ऑफ द ट्रूथ. सो आपके साथ पर्टिकुलर कोई चीज़, कोई इंसिडेंट, कोई डीलेज आपकी लाइफ में क्यों आए, वो ट्रूथ जो है आपके सामने आने वाला है. यू विल अंडरस्टैंड द रीजंस बिहाइंड एवरीथिंग, दैट इज़ वेरी नाइस. एंड वी हैव आंसरिंग द कॉल, द टाइम इज़ नाउ. तो अब वक्त आ गया है आपका, आने वाला है, दरवाजे खुलने वाले हैं और आप ये जो बैड फेज था यहाँ से फ्री होने वाले और एक नए जर्नी पे आप लाइफ के निकलने वाले हो, जहाँ पे सब कुछ जो है वो आपके हिसाब से होगा और आपकी जो विशेस है पूरी होंगी. सो थोड़ा सा पेशेंस और ग्रुप नंबर टू, बाकी एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल इन योर लाइफ. ओके, सो ग्रुप नंबर टू ये है आपकी रीडिंग. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. बाय.